दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिमाचल ने सांसद एवं केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसी विवाद अशब्द टिप्पणी पर लोगों में सरकार की किरकिरी हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने भी कहा है कि एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कह रहे हैं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और उनके ही केंद्रीय राज्य मंत्री हिंसा के लिए उकसाने जैसी टिप्पणियां कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमीरपुर सांसद एवं केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसी विवाद अशब्द टिप्पणी हिमाचल की सर्द हवाओं के बीच राजनीति गर्मा गई है। इसी के चलते हमीरपुर में कांग्रेसी नेता भी अनुराग ठाकुर को नसीहत देने से परहेज कर रहे हैं और अनुराग ठाकुर की इस टिप्पणी पर खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने भी कहा कि एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कह रहे हैं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और उनके ही केंद्रीय राज्य मंत्री हिंसा के लिए उकसाने जैसी टिप्पणियां कर रहे हैं। सरकार में ऐसा दोगलापन व विरोधाभास क्यों है? उन्होंने पूछा है कि सरकार का अपने मंत्रियों पर कंट्रोल क्यों नहीं है जो कि ऐसे उद्देजक व भड़काऊ टिप्पणियां कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग भी ऐसे नेताओं पर कार्यवाही करने की बजाय मूक दर्शक बनी हुई है, जिससे लग रहा है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है। बड़ा चिंता का विषय यह है कि देश के प्रधानमंत्री मन की बात में ये कह रहे हैं कि हमें हिंसा का जो मार्ग है वो नहीं अपनाना चाहिए और दूसरी तरफ जो उन्हीं के मंत्री राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं वो दिल्ली प्रचार में ये कह रहे हैं, इस तरह के भाषण दे रहे हैं, गोली मारो वाले भाषण दे रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। आज देश की जनता जो है वो चुनाव में विकास के मुद्दों के ऊपर बहस करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ हमें हैरानी इसलिए नहीं हो रही है कि यही वित्त राज्य मंत्री जो हैं एक तरफ अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपमान किस प्रकार से उन्होंने मंच पे किया वो प्रदेश की जनता ने देखा, और कई बार इस गांधी चौक पर भी उन्होंने 6 बार के जो मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र जी उनका भी कई बार अपमान किया, और यही वो वित्त राज्य मंत्री हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया था बीसीसीआई से। तो आज भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए और अनुराग ठाकुर जी को ये जवाब देना चाहिए कि 45 साल के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार इस देश के अंदर गिरा है तो इनके कार्यकाल में गिरा है। अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी क्या नीति है, अर्थव्यवस्था के ऊपर वो बहस क्यों नहीं करते? अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतने विकास कार्य किए हैं तो आज अनुराग ठाकुर जी को दिल्ली के चुनाव प्रचार में ये बहस करनी चाहिए कि उन्होंने देश के युवाओं को कितना रोजगार दिया है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कितना विकास हुआ है। अभिषेक राणा ने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी पर यही अनुराग ठाकुर है जिन्होंने मुख्यमंत्री का निरादर किया। कई बार गांधी चौक हमीरपुर से 6 बार के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय वीरभद्र सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में इतने मुद्दे हावी हैं कि देश का हर वर्ग चुभन सी जिंदगी जी रहा है, लेकिन मुद्दों पर आधारित राजनीति ना कर दंगे फसाद जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का यही दोहरा चरित्र रहा है कि लोगों को जाति धर्म में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करते रहे, जिससे अब बेनकाब भी हो रहे हैं। राणा ने कहा कि चुनाव आयोग भी सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है और बीजेपी के नेताओं के कई मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जो कि चिंतनीय विषय बना हुआ है। देखिए, अभी भी मैंने कहीं पढ़ा कि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और उन्होंने तलब किया है कि जो उन्होंने बयान दिया है अनुराग ठाकुर जी ने वहां पर। अब विषय ये है कि चुनाव आयोग जो है वो एक प्रकार से सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है और ऐसे कई मामले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आए हैं। अभी पीछे केंद्र में भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में यूपी पुलिस की जितनी शिकायतें हैं, जो उन्होंने वहां पर किस बर्बरता से लोगों के ऊपर अत्याचार किए, कोई भी एक FIR दर्ज नहीं हुई है।